नमस्कार, ओपन सोर्स कुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम HTML5 के फॉर्मेटिंग के और अधिक टैग्स देखेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, HTML5 का उद्देश्य है आपके कथन, वाक्य, शब्द या जो भी कंटेंट, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, प्रस्तुत करने से हमारा अभिप्राय सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाए जाने वाली चीज से नहीं है। ये आंतरिक रूप से जो कथन है वह क्या दर्शा रहे हैं उसका अभिप्राय रखता है। इससे आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप अपनी वेबसाइट इन नियमों के तहत बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे और आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि और अन्य क्या टैग हैं जिनसे आप अपनी जानकारी, कथन, शब्द, वाक्य, जो भी कंटेंट है उसे किस तरह अच्छे रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उदाहरण के साथ देखते हैं। तो इधर मैंने कुछ टैग सामने रखे हैं। एक है स्मॉल, इसका प्रयोग होता है जब आप किसी टेक्स्ट को या टेक्स्ट या कथन के किसी भाग को छोटा करके दिखाना चाहते हैं। इससे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसका प्रभाव कम नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के लिए हम छोटा करते हैं। और इसको मैं अभी आपको एक उदाहरण देके दिखाता हूं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए देखें। हाँ, चलिए ये है एक उदाहरण स्मॉल टैग को प्रयोग में लाने का। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर HTML के अंदर आपको कभी HTML टैग लिखना हो तो आप उसको सीधी तरह से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप HTML टैग कहीं पे लिखेंगे तो आपका ब्राउजर उसे समझ के, टैग समझ के उसका क्या संदर्भ है, वो उसे उस तरह प्रयोग में लाने की कोशिश करेगा। तो ये टाइटल में आप देख रहे होंगे मैंने कुछ अलग तरह से लिखा है, &LT:, और &GT:। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है परिवर्तित हो जाएगा लोअर देन यानी ऐसे वाले ब्रैकेट में, और ये परिवर्तित हो जाएगा ऐसे वाले ब्रैकेट में। तो इस तरह हम HTML के टैग को HTML में दर्शा सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम HTML और CSS के मानकों का रखरखाव करती आ रही है, CSS के इस्तेमाल को 1997 से प्रोत्साहित कर रही है। अब ये है तो पूरा, पर इसको मेरे को पूरी उसमें नहीं दिखाना है, तो इसको मैं छोटा कर दूंगा, स्मॉल। तो इसको अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये दिखाई देगा। अब आपके पास जो भी एडिटर हो या आप फाइल ओपन करके देख सकते हैं, ये जीनी में जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये HTML को ब्राउजर में खोल देता। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्सियम, ये वाला हिस्सा ऐसे आया और ये थोड़ा इन्होंने छोटा करके लिख दिया है। अब इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता है, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए थोड़ा छोटा कर दिया है। और दूसरा मैंने अपनी वेबसाइट में लिया है एनिमेशन क्या है, इसको मैंने बोल्ड में कर दिया है और एनिमेशन के बारे में लिख दिया है। अब उसके आगे मैं थोड़ा और ये लिखना चाहता हूँ कि ये किस लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि यह सामग्री क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक लाइसेंस के तहत उपलब्ध है, अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं, विस्तार की जानकारी हेतु आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह आप अलग अलग जगहों पे ये स्मॉल टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा करके दिखा दिया है। ये ज्यादातर लाइसेंस नियम और क्या क्या शर्तें हैं उन सबको दिखाने के लिए छोटे में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका
HTML का स्मॉल टैग। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें है एक साइड टैग जिससे हम किसी चीज के बारे में उल्लेख कर सकते हैं, और कोट और ब्लॉक कोट। अब इन्हें हम देखते हैं। अब साइड टैग का हम प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी के काम के बारे में बात कर रहे हो, और कोट का प्रयोग तब करते हैं जब हम उस व्यक्ति के कथन के बारे में बोल रहे हो या किसी ने ऐसा कहा, तो उसे हम साइट कोट में डालते हैं। और साइट होता है उस व्यक्ति या उस कंपनी के बारे में हो सकता है, तो उसको आप साइट में डाल सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि प्रेमचंद के शब्दों में जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। तो यह कथन तो प्रेमचंद ने कहा है, तो ये प्रेमचंद को मैं यहाँ पे साइट में डाल रहा हूँ। साइटेशन कहते हैं इसको। तो मैं इस पे प्रभाव डाल रहा हूँ कि प्रेमचंद कोई व्यक्ति है जिसने ये कथन कहा है, या इनके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह दूसरी तरीके से हमने इसका प्रयोग किया है कि इस कहानी में कई पात्र हैं, आपको सबसे प्रिय कौन सा है। सब मान लीजिए ये एक किसी बड़े आर्टिकल का भाग है, उसमें से कहीं ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है, तो ये किस संदर्भ में कह रहे हैं, तो उसको मैंने यहाँ साइट में डाल दिया है। प्रेमचंद की गोदान जो एक कहानी है उसके संदर्भ में यह पूछा जा रहा है, तो साइट हो गया प्रेमचंद का गोदा। अब दूसरा जो बचा हमारा, इसमें हुआ ब्लॉक कोट। कोट मैंने आपको बता दिया, जब भी आप किसी व्यक्ति के बोले हुए शब्द या कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे आप कोट में डालेंगे। अब ब्लॉक कोट होता है जब हम किसी दूसरी जगह की वेबसाइट, पुस्तक या कहीं का पूरा कथन, अनुच्छेद या कोई बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे हम दिखाना चाहते हैं, तब हम ब्लॉक कोट यूज करते हैं, और उसके अंदर हम प्रयोग में लाते हैं साइट। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था साइट एट्रीब्यूट, ब्लॉक कोट का एट्रीब्यूट है साइट। इससे क्या होता है कि हमने ये विकिपीडिया की वेबसाइट को लिंक दे दिया है यहां से, इससे हम काफी कुछ बता रहे हैं कि ये जो हिस्सा है जो हमने लिखा है ये हमने कहां से लिया है और ये कौन सी साइट से आया है। तो ये ब्लॉक कोट हो गया, मतलब ये हमने नहीं बोला, ये कहीं और से आया है और ये यहां पे हमने विकिपीडिया से लिया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो साइट है ये ब्लॉक कोट का एट्रीब्यूट है और ये साइट खुद में एक टैग है, तो आप इसको प्रयोग में लाके देख सकते हैं अलग अलग तरीके से और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसका किस तरह प्रयोग हो सकता है। चलिए इसको हम चला के देखते हैं। तो ये आ गया। तो जब हम किसी चीज को साइट में डालते हैं तो अब ये आ गया उनका नाम, ये टेढ़ा इटैलिक्स दिखाई दे रहा है पर ये साइट में डाला गया है, और ये हमने कोट में डाला था, तो आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिर से प्रेमचंद जो है हमने साइट में डाला था, और जो हमने हिस्सा ब्लॉक कोट में डाला था वो खुद ब खुद एक ऐसा ब्लॉक सा बन के आ गया है। तो ये है साइट, ब्लॉक कोट और कोट का प्रयोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है एब्रीविएशन और डेफिनेशन। एब्रीविएशन होते हैं संक्षिप्त नाम, जैसे कि HTML है और ऐसी कई चीजें आती हैं। हम जब अपने आर्टिकल बनाएंगे या
अपने HTML के पेज बनाएंगे, कई जगह हम ये संक्षिप्त नाम लिखते हैं, एब्रिविएशन लिखते हैं। तो जब भी हम एब्रिविएशन लिखते हैं तब हमें इससे एब्रिविएशन टैग के अंदर डालना चाहिए। तो और दूसरा है डेफिनेशन, ये हम जब यूज करते हैं जब हम किसी चीज की परिभाषा दे रहे हो या उसका डेफिनेशन दे रहे हो। तो कई बार ये दोनों हम साथ में भी प्रयोग में लाते हैं, तो चलिए देखते हैं इनका उपयोग क्या है। और एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है मार्क, तो इसे भी हम देख लेंगे, ये वाक्यों को उभारने के लिए है। हाँ तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ में उपग्रह के बारे में लिख रहे हैं। तो उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा ऐसा खगोलीय वस्तु को कहा जाता है जो कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन जैसे कि हम HTML के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें हम इस अनुच्छेद या पैराग्राफ में क्या समझाना चाह रहे हैं, हम इस शब्द की परिभाषा दे रहे हैं एक तरीके से। तो इसको अगर आप बाहर देखते हैं तो ये सीधे सीधे हमें इस तरह नजर आ रहा है, पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा उपग्रह लिखा हुआ है और उसकी परिभाषा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब हम सिर्फ देखने के हिसाब से नहीं करेंगे, तो इसको हम DFN डेफिनेशन टैग में डाल देंगे। अब होगा क्या कि इससे आपको ये थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा, और दूसरा ये हो जाता है कि अब ये आंतरिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि यह शब्द है और ये उसकी बची हुई परिभाषा है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अनुच्छेद के अंदर ही डालें पूरा हिस्सा, ताकि आपके वेब ब्राउजर या सर्च इंजन या जो भी आपका पेज पढ़ेगा उसे ये समझ में आ जाए कहां से कहां तक परिभाषा है। तो ये इस तरह प्रयोग में लाया जाता है। अब दूसरा एक मैंने और इसमें यहां पे इस्तेमाल किया है इसका HTML, इसके बारे में इसको भी मैं एक इसकी भी परिभाषा देना चाहता हूं। और यहां पे मैंने एक टाइटल एट्रीब्यूट का प्रयोग किया। टाइटल एट्रीब्यूट ज्यादातर आप पैराग्राफ, स्पैन और कई उनके साथ प्रयोग में ला सकते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट एक तरीके से जब भी आप उस वस्तु के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे, जो टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उससे आपको इस तरह का एक पॉपअप दिखाई देगा जिसपे आपने जो भी टाइटल में लिखा है वो नजर आ जाएगा। तो इससे हम थोड़ी और अधिक जानकारी दे दे रहे हैं डेफिनेशन, और यहां पे मैंने लिखा है HTML की डेफिनेशन है, और फिर उसी तरह पैराग्राफ के अंदर एक मार्कअप भाषा है या वेब पेज बनाने के काम आती है। तो अगर आप कुछ इस तरह की चीज या कोई शब्द है जिसका बड़ा रूप होता है और कुछ है, तो उसके लिए आप टाइटल का यहां प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम परिभाषा या डेफिनेशन टैग का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एब्रिविएशन टैग। तो यहां पे देख लीजिए, मैंने अब आपको बाहर दिखाता हूं, AIR भारत में रेडियो के AM/FM का प्रसारण करता है। तो AIR हुआ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऐसे अब ये बड़ा बढ़िया है, यहां पे मान लीजिए ये पूरा अंग्रेजी में होता तो AIR का मतलब हवा भी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है ये आपने किसी वजह से अपर केस में लिखा हो। AM/FM ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके पूर्ण रूप अलग होते हैं और जो छोटे रूप होते हैं वो अंग्रेजी में दूसरे शब्द बन जाते हैं। तो जब आप इस तरह से अगर कुछ लिखेंगे तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे स्पष्ट करें कि ये क्या है, ये एक शब्द है जो आपने कैपिटल में लिखा है या ये कोई एब्रिविएशन है, सूक्ष्म रूप है और छोटा रूप है उसका। तो इसके लिए हम ये टैग प्रयोग में लाते हैं ABBR। इसमें भी जैसे मैंने कहा आप टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं ताकि जब कोई यहाँ पे अपना कर्सर लाए तो वो देख सकता है ABBR टाइटल ऑल इंडिया रेडियो। ये जरूरी नहीं कि हर बार आप टाइटल डालें। तो अब जब आपका कोई सर्च इंजन या दूसरे तरह का प्रोग्राम आपके इसको पढ़ेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई अंग्रेजी का शब्द सीधे सीधे नहीं है या
ये एक एब्रीविएशन है। और उसी तरह मैंने एएम का लिखा है, टाइटल दे दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम को भी मैंने एब्रीविएशन में डाल दिया है। और इस तरह एब्रीविएशन को आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एआईआर और एफएम। अब ये जो नीचे आप लाइनें देख रहे हैं ये शायद आपको हर एक वेब ब्राउजर में ना दिखे, ये वेब ब्राउजर पर निर्भर करता है वो ऐसी लाइन दिखाए ना दिखाए। तो एक चीज ये है कि एक बार आपने एब्रीविएशन यूज कर लिया और फिर से ये एब्रीविएशन आ रही है तो ये नहीं कि आप उसे छोड़ देंगे, आपको हर जगह एबीवीआर टैग प्रयोग में लाना चाहिए ताकि ये निश्चित हो जाए कि आप एब्रीविएशन ही लिख रहे हैं और कोई दूसरा शब्द नहीं लिख रहे। अब देखिए इन दोनों को हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, और दूसरा एक टैग मार्क जो मैंने बोला था उसका प्रयोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन डाल दिया है। अब डेफिनेशन हम HTML का दे रहे हैं। अब इसको अगर आप पिछले वाले से देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने टाइटल डाल दिया, लेकिन इसमें क्योंकि हमने हिंदी में HTML और ये HTML दोनों साथ लिखा था इसलिए यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों मिला के एक सही एब्रीविएशन नहीं बनता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में एब्रीविएशन, डेफिनेशन शुरू करके मैंने एब्रीविएशन लिखा है क्योंकि ये एक एब्रीविएशन है HTML, और उसके बाद मैंने डेफिनेशन खत्म कर दिया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा दे रहे हैं और ये जो है एक एब्रीविएशन है। और इसके बाद जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ अनुच्छेद के पैराग्राफ के अंदर मैंने इसका आपको अर्थ बता दिया है। अब इसमें मुझे ये हिस्सा जो है अलग से दिखाना है। अब ना इसमें मुझे कोई एम्फेसिस देना है, ना कोई जोर डालना है, ना स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को सिर्फ दिखाने के लिए इसे मार्क करना है। तो मैं मार्क का प्रयोग कर रहा हूँ और ज़्यादातर ये एक पीले रंग के बैकग्राउंड के साथ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये हुआ आपका मार्क और ये हुआ तरीका आपका एब्रीविएशन, डेफिनेशन और मार्क को प्रयोग में लाने का। तो अब चलिए आगे देखते हैं और कौन से टैग हैं। और टैग हैं स्पैन और टाइम, वेयर हम अलग से देखेंगे। चलिए इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अब यहां पे स्पैन, स्पैन जब कुछ आपके वाक्य का हिस्सा आपको कुछ अलग तरह से दिखाना है तो आप स्पैन का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में जब आप CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो आपको इसका उपयोग और समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक साधारण सा इसमें दिखा देता हूँ कि स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके जो CSS होती है, CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है HTML के लिए जो हम अलग से सीखते हैं और ये सीखना बहुत जरूरी भी है। तो फिलहाल के लिए इसमें मैंने ये CSS भाषा के एक कथन का प्रयोग किया है जो कहता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब टेक्स्ट में किस तरह से उसको और सजावट करनी है तो उसको अंडरलाइन करेंगे, और वेवी, वेवी मतलब लहरदार। तो ये हमें सिर्फ इतने से हिस्से को अलग से थोड़ा सा दिखाना है तो इसको हम स्पैन में डाल देते हैं। स्पैन से आप बहुत बड़े हिस्से को कभी ना उसमें लाएं, क्योंकि जैसे अगर आपको पूरे पैराग्राफ पे कुछ काम करना है तो आप सीधे पैराग्राफ पे टैग में स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम अलग से CSS से करते हैं। तो ये सिर्फ थोड़े से शब्दों के लिए या छोटे वाक्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो दूसरे पूरे वाक्य के बीच में है। तो इधर जो कथन है, भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी, बंगला उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको मैं अभी चलाता हूं तो ये आप देखेंगे यहां पे ये आ गया। अब इसमें भगत सिंह को मैंने बोल्ड में डाला है, ठीक है, उनका नाम
दिखाने के लिए, और ये जो है आप देख सकते हैं ये एक अंडरलाइन होके आ रहा है और ये इसमें लहरदार लाइन आई है। तो इस तरह से स्पैन का प्रयोग कर सकते हैं, ये धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा, जैसे हम आगे बाद में CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है टाइप, अब मैं आपको यहीं से दिखाता हूं। तो यहां पे आप देखिए, हम कई बार बहुत सारा कंटेंट जो है हमारे पेज का, उसमें कई जगह हम डेट लिखते हैं, कभी टाइम लिखते हैं, या कभी जैसे हम लिखते हैं अगले हफ्ते या पिछले हफ्ते ऐसा हुआ। अब मान लीजिए कोई समाचार वार्ता है, तो समाचार वार्ता में पहले ही ऊपर लिखा होता है कि ये समाचार कब हुआ, मतलब कब प्रकाशित हुआ है, और समाचार के अंदर जैसे लिखा जाएगा कि पिछले हफ्ते हुआ। तो अब होता क्या है, ये पिछले हफ्ते क्या हुआ, पिछले हफ्ते की असल दिनांक क्या था। तो उस तरह कहीं भी कोई दिनांक आ रहा है इस तरह से, या इस तरह का कथन कि पिछले हफ्ते या अगले हफ्ते या सोमवार को मिलेंगे, तो उसकी उसका अगर सही दिनांक आपको बताना है तो हम ये एक टाइम टैग है उसके उससे हम बता सकते हैं। अगर आपकी डेट सीधे सीधे अंग्रेजी में लिखी है तो आप उसको भी टाइम में डाल सकते हैं, जिससे कि आप बता सके कि ये हम एक टाइम के बारे में और एक डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर आप देखिए, भगत सिंह का जन्म ये 28 सितंबर को हुआ है, ऐसे यहाँ तारीख दी हुई है, और कुछ लिखा हुआ है कि अमृतसर में 16 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे ये सब मैंने हिंदी में लिखा है, इसको सही सही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि ये एक टाइम है, ये तो सीधे सीधे ऐसे डाल दिया है। अब दूसरा, यहाँ पे मैंने ये जो डेट है इसे मैंने इसके एक एट्रीब्यूट के साथ डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे, और डेट टाइम में मैंने उसकी अंग्रेजी डेट टाइम डाल दिया है, जो कि पहला साल है, दूसरा महीना है और ये तारीख है। इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब एक और मैं आपको इसका उपयोग दिखा सकता हूं कि यहां पे भगत सिंह के जन्मतिथि विमर्श का विषय है, मतलब इनकी जन्मतिथि असल में क्या थी, इस बात पे लोगों में मतभेद है। तो इनकी जन्मतिथि जो है हिंदी पंचांग के हिसाब से संवत 1964 के अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि में हुई, ऐसा दिया गया है। तो इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या होगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे डेट में नहीं आपका कन्वर्ट हो सकता। तो यहां पे मैंने क्या किया है, टाइम और डेट टाइम लिख के जो इसकी असल डेट बनती, इसकी जो अंग्रेजी डेट बनती है, असल डेट तो क्या बोलूं, इसकी जो अंग्रेजी डेट बनती है वो ये होती है। और क्योंकि उनका जन्म ऐसा 9 बजे हुआ था, यहाँ आगे लिखा, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह आपके कथन में कहीं भी समय का संदर्भ आता है तो आप उसको टाइम से इस तरह चिन्हित कर दीजिए और डेट टाइम एट्रीब्यूट को प्रयोग में लाके सही सही डेट टाइम वहां डाल दीजिए। तो ये काफी उपयोगी होता है आपके सर्च इंजन के लिए और दूसरे प्रकार के जो आपके सॉफ्टवेयर है उनके लिए। तो ये हो गया आपका उपयोग टाइम का और स्पैन टैग। तो चलिए आगे देखते हैं वैर। अब गणित में, विज्ञान में कई बार हम फॉर्मूले प्रयोग में लाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या और कोई जैसे आप गणित में बोलते हैं कि अगर ए की सैलरी 100 है और बी की सैलरी ए से 20% कम है, तो ए और बी जो है वेरिएबल हो गए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, HTML5 में हमें हर चीज सही सही समझानी है।
तो जहां भी हम किसी भी अक्षर को या कैरेक्टर को वेरिएबल के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं तो हम उसे बताएंगे कि ये वेरिएबल है। तो देखिए इसका उदाहरण भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहां पे देखिए ये लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो बी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, और जहां पे बी आधार बेस है और एच ऊंचाई है। इसको रन करके देखते तो आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, जहां बी इसको मैंने वेयर में डाला है, एच को वेयर में डाला है, इसको भी वेयर में डाला है, इसको भी वेयर में डाला। तो इससे हम वही कर रहे हैं जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि सिमेंटिक रूप से हम इसे दर्शा रहे हैं। तो ये हो गया वेयर का प्रयोग। कभी आप इस तरह का कोई गणित का विज्ञान का फॉर्मूला लिखें जहां वेरिएबल का प्रयोग होता है, या फिर आप कोई कंप्यूटर का कोड भी दे रहे हो जहां वेरिएबल लिखे हो ऐसे समझाने के लिए, तो वहां पे इसको आप वेयर टैग से चिन्हित कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है अगला, कीबोर्ड और सैंपल। अब कई जगह आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, इंटरनेट पे कोई HTML पेज है, तो कई जगह उदाहरणों में कौन सी की दबानी है या कौन सी की का प्रयोग करना है ये जब आपको दर्शाना है, तो जब भी हम वो की लिखेंगे उसको हम कीबोर्ड टैग से चिन्हित करेंगे। और सैंपल तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कभी कोई उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए भाई ऐसा आउटपुट आया, हमने ये कमांड चलाई और इसका आउटपुट ऐसा आया, या ऐसा हमें एरर मैसेज आ गया या कुछ, तो ये हम इससे प्रयोग में लाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये सब हमें इसलिए करना है ताकि हम अपने कंटेंट को, जो भी हम सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे हम सही सही तरीके से बता सके कि भाई ये कीबोर्ड का है और ये आउटपुट के बारे में है। दिखने में आपको उतना फर्क नहीं लगेगा, लेकिन ये HTML 5 को उपयोग में लाने का ही सही तरीका होगा। तो चलिए देखते हैं इनके भी उदाहरण। तो पहले मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल दबाना है और वी दबाना है, ये हो गए आपको कीबोर्ड के बटन या की जिन्हें आपको प्रयोग में लाना है। और दूसरा है किसी भी ऐप में सहायता के लिए F1 दबाएं, तो F1 एक की है उसके बारे में हम बता रहे हैं। और उसी तरह सैम्प का क्या है, जैसे आपने कोई कमांड रन करी और उसका आउटपुट ऐसा आ गया, यह कमांड चलाने के बाद कंप्यूटर से ऐसा आउटपुट दिखाई दिया या कंप्यूटर ने ऐसा आउटपुट दिया, एरर फाइल नॉट फाउंड। तो ये जो है ये है सैंपल आउटपुट जो हमें कंप्यूटर ने दिखाया, तो इसको हम सैंप में डालेंगे। तो चलिए देखिए कैसे किया हुआ है। तो कॉपी करने के लिए ये देखिए कंट्रोल, तो मैं इसको KVD में डाल देता हूं, प्लस को नहीं डालूंगा क्योंकि ये दबाना नहीं है, ये कोई ये की नहीं है, ये सिर्फ हम दर्शा रहे हैं कि दोनों साथ में दबाना है। और ये सी ये है की, इसी तरह यहाँ पे कंट्रोल और ये वी, इनको मैंने KVD में डाल दिया है। कई बार इसका प्रयोग और भी तरह से होता है कि जैसे आप फाइल में जाइए, मेन्यू में जाइए, उसके लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, बट पर फिलहाल अभी इसका हम इतना ही उपयोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने F1 लिखा है, तो KVD में डालने से ये पता चल जाता है कि ये F1 हम कीबोर्ड की के बारे में कह रहे हैं। और जो सैम्प है, सैंपल आउटपुट क्या आया है वो दिखाने के लिए हम इसको इसमें डालते हैं। तो इस तरह हम इन टैग्स को प्रयोग में ला सकते हैं। तो अभी तक ये जो जितने हमने टैग देखे ये टेक्स्ट को मार्कअप करने के अलग अलग तरीके हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर HTML के जो आप पेज बनाएंगे उसमें सही सही से प्रयोग में लाइए। और हम
आगे के टैग जो और HTML के ढांचे को सही तरीके से या आपके कंटेंट को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किस तरह प्रयोग में लाएंगे वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक आप ये जितने टैग हमने आज देखे हैं इनको प्रयोग में लाइए, इनको इनका कोड लिख के देखिए और HTML के मजे लीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।